भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हम चर्चा कर रहे हैं भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के लक्षण शम विषय पर। कई दिन हो गए। शम का अर्थ होता है वैसे कल्याण, शांति, संतुलन। शांति का अर्थ है नहीं है कि निष्क्रियता, संतुलित सभी इंद्रियों में, मन में, आत्मा में पूर्ण संतुलन हो, वह शम। उत्तेजना नहीं हो, अस्त व्यस्त नहीं हो, तालमेल का अभाव न हो, बुद्धि में, आँख में, बुद्धि में, कान में, बुद्धि में रसना में, बुद्धि में वाणी में। वाणी कह रही है क्रोध करो, बुद्धि कह रही है मत करो। वैसे मन करता है, मन प्रेरित करता है। बहुत सारी इंद्रियों के विषय में बात की। सब इंद्रियों का जो चरम रूप है या सबसे जो प्रभावित होता है वो काम इंद्री, अंतिम विषय पर विचार करते हैं। इसका नियंत्रण सबसे कठिन है। लेकिन जिसने आँख, कान, नाक, रसना इन पर नियंत्रण कर लिया तो वो भी हो जाएगा। इन पर नहीं है तो नहीं होगा। अगर कोई बुद्धि से विचार करके सात्विक ही सुनता है, कोई व्यक्ति सात्विक ही सुने, कहीं गलत बात हो रही हो तो वहाँ से उठकर चला जाए, सात्विक ही देखे। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मंच पर भाषण देते हुए देखा है। एक किसी की मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा था तो जो जा ले जा रहे थे वो विद्वान थे। महिला में से एक रास्ते में से एक छात्रा निकली और उसको पीछे मुड़ के देख रहे, मेरी दृष्टि उधर थी, कुछ कहा नहीं। तो अनेक लोग ऐसे होते हैं। अखबारों में पढ़ेंगे तो सारा पढ़ेंगे, चित्रों को अवश्य देखें। पहले मैंने अखबार बंद कर दिए थे और राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक जी को भी लिखा था कि ये क्या है। परंतु अखबार वालों पर कोई प्रभाव नहीं होता, उन्हें अखबार चलाना है, पैसे कमाने, क्योंकि जितना सस्ता देते हैं उतना सस्ता छप ही नहीं सकता वो। परंतु उनको सुझाव दिया था कि अच्छे विज्ञापन निकालो। तो भद्र ही देखें, सात्विकी देखें, सात्विकी खाएं। इनकी ऐसी गुलामी होगी कि सात्विकता किसी को अच्छी नहीं लगती। जिसका इन पर नियंत्रण नहीं वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचारियों के लिए नहीं होता, गृहस्थों के लिए भी होता है। गृहस्थ के भी अपने नियम है, जो पशुओं के, हम पशुओं से गिर चुके हैं, पशुओं के कुछ नियम होते हैं, मनुष्यों का कोई नियम नहीं होता। खाने में बात करें तो जैसा कि बताया था एक दिन शायद, चावल है, जौ है, मूंग की दाल है, ये विशेष सात्विक है। खाद नहीं हो तो गेहूँ भी होगा, लेकिन चावल जो ज़्यादा, मूंग की दाल, सब्जियों में। इसको वैसे ये विषय आयुर्वेद का, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, पर जैसा मेरा अनुभव है वैसा बता रहा हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है वैसा बता रहा हूँ। लौकी है, तुरई है, टिंडा है, ऐसी कुछ सब्जियाँ जो गर्म नहीं होती वे भी सात्विक हैं। मीठे फल सात्विक है, आंवला सात्विक है खट्टे में। तो सात्विक नहीं, वैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रत्येक वस्तु में, इनके बिना निर्माण हो ही नहीं सकता। केवल सत्वगुण हो तो सृष्टि बनेगी नहीं, केवल रजोगुण हो तो भी नहीं बनेगी, तमोगुण है तब भी नहीं बनेगी। लेकिन प्रधानता के आधार पर
जिस भोजन से, जिस पढ़ने से, जिसको सुनने से, जिसको देखने से मन में शांति रहे, संतुलन रहे, क्रोध ईर्ष्या अहंकार आदि का भाव न हो, तो कहो तब जानना चाहिए कि सत्वगुण प्रधान है इस समय। और ये संस्कार से भी आता है और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वात पित्त कफ, मुझे जानकारी नहीं थी लेकिन डॉक्टर बसंत जी हमारे हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग के रिटायर हुए, अच्छे आदमी हैं, साधु पुरुष हैं, तो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे, लेकिन उन्होंने शास्त्रों में भी बहुत अध्ययन किया है, बहुत सज्जन है। असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे थे इलेक्ट्रिक बोर्ड में, वह घूसखोरी देखी तो त्यागपत्र दे दिया, फिर आगे एम टेक किया, पीएचडी किया, फिर प्रोफेसर हुए। उन्होंने कहा कि पित्त प्रकृति वाले को क्रोध अधिक आता है, तो वो ज्यादा सात्विक का सेवन करे तो वो भी धीरे धीरे शांत होगा। तो जो रजोगुणी तमोगुणी है उसकी इच्छा करते हैं वे कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे नियम संसार में, जितनी भी बुराइयां हैं उनके लिए कोई शरीर में हार्मोन पैदा नहीं होता। झूठ बोलने के लिए कोई हार्मोन नहीं है, और चोरी करने का भी कोई हार्मोन नहीं होगा, बेईमानी का भी कोई हार्मोन नहीं होगा, लेकिन काम को उत्तेजित करने वाले हार्मोन स्वाभाविक रूप से शरीर में उत्पन्न होते हैं। हार्मोन नहीं हो तो सृष्टि ही ना चले, इसलिए हार्मोन तो होंगे लेकिन उन हार्मोन को संतुलित नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन, सात्विक अध्ययन, सात्विक मनन चिंतन, सात्विक दर्शन श्रवण ये अनिवार्य है। उन हार्मोन के प्रभाव को दबाते जाओ। कभी भी हार्मोन अगर हमें परेशान कर रहे हैं तो हमें उसे साक्षी भाव से देखें और उस पर विचार बिल्कुल न करें, उसमें गहराई में न जाए। नहीं तो जैसे हवन में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, वैसा ही विषय की आग बढ़ती जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है, विषयों का चिंतन करना छोड़, अकेले मत रहो, फिर किसी ऐसे के साथ रहो जो सात्विक है। अकेला या तो पशु रह सकता है या देवता रह सकता है, बीच वाला अकेला रहेगा तो उसके मन में कुछ बुराइयां घर करेंगे, कुछ गलत सोचेगा। अगर किसी का बालक अकेला एकाकीपन चाहता है तो उस पर दृष्टि बनाए रखो, क्या करता है, कहाँ जाता है, मित्रों में जाता है तो कैसे मित्रों में जाता है, लेकिन कोई माता पिता इस पर ध्यान नहीं देते। और माता पिता क्या ध्यान देंगे, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया वो क्या ध्यान देंगे। आज विवाह होते ही सबसे पहले क्या खरीदा जाता है, डबल बेड। किसी भी प्राणी में ऐसा नहीं होता नर मादा साथ सोते हों, किसी भी प्राणी, ऋतु काल के अलावा वो कभी पास नहीं रहते। आज से कुछ वर्ष पहले की बात देखें तो किसी के घर में ऐसे बेड नहीं थे। एक बार कई वर्ष हुए, मैं एक शहर में गया तो एक आर्य सज्जन ने नया मकान बनाया था, तो मैं था, कुछ और थे, उनको दिखा रहे थे, बड़े प्रसन्न होकर दिखा रहे थे ये कमरा बेटे के लिए, ये कमरा मेरे लिए, ये कमरा गेस्ट के लिए, डबल बेड के आजकल की अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। मुझे मन में बहुत लज्जा का अनुभव हुआ, क्यों आ रहे जस सज्जन, ये कैसी आवश्यकता। बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, और ऐसे ही बिस्तर भी मिलते, होटल में जाओ तो भी ऐसे बेड, किसी के घर जाओ तो भी ऐसे बेड, कई तो दो बेड मिला लेंगे, कई ज्वाइंट ही आते हैं, मिले हुए आते हैं, अलग अलग होंगे तो हम अलग कर लेते हैं कि रुकते हैं तो जा करके। महर्षि दयानंद जब उदयपुर में गए थे तो महाराणा सज्जन सिंह जी को
उपदेश दिया करते थे और महाराणा सज्जन सिंह जी उनसे रोज पढ़ने आते थे, ध्यान सीखने आते थे, प्रणाम सीखने आते थे। तो उन्होंने उनको उपदेश दिया था कि महाराणा जी के कक्ष में मत सोइए, और वह सोने का कोई नियम बनाई, ऋतुगामी हो जाए। तो महाराणा जी ने अपनी सारी दिनचर्या बदल दी। जिस समय राजा लोग वैश्या रखते थे उस समय महाराणा जी को ब्रह्मचर्य का ये उपदेश किया था महर्षि दयानंद ने। और गृहस्थ में ही परीक्षा होती है, गृहस्थों को सबसे पहले पशु बनना सीखना चाहिए कि पशु कैसे रहते। गाय का ऋतुकाल में नहीं है, कोई सांड उसके पास कभी नहीं जाएगा, देखेगा भी नहीं, लेकिन मनुष्य का कोई नियम। फिर ऐसे माता पिता के संतान होगी, वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, कैसे साध्य होगी। अब गर्भावस्था में है और दोनों का खान पान खराब, तमोगुण रजोगुण के बिना तो उन्हें स्वाद ही नहीं आता, खान पान खराब। और फिर गर्भावस्था में जब बालक है तब घरों में झगड़ा, खान पान वही, टीवी देखना सारे दिन, और टीवी में क्या देखा जाता होगा सब जानते हैं, जो देखते हैं वो जानते हैं कि वो क्या देखते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। सब नहीं लेकिन अधिकांश लोगों की स्थिति है। तो गर्भस्थ जो शिशु है उस पर क्या प्रभाव होगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीखा था, तो आज के बच्चे गर्भ में क्या सीखेंगे, ये सारी कामलीला सीखते, क्रोध सीखते, लड़ाई झगड़ा सीखते, हिंसा सीखते, यही तो देखा जाता है टीवी पर। घर में भी गाली गलौज मार पीट चिड़चिड़ापन तू तू मैं होती रहती है, तो उनके बच्चे क्या आज्ञाकारी बने, वो भी ऐसे ही बने। और जब बच्चे बड़े होते हैं तब कहते हैं बच्चा हमारी मानता नहीं, मानने वाला बनाया ही नहीं, पैदा ही नहीं किया जो माने। और थोड़ा बड़ा होता है उसको क्या सिखाया जाता है, पढ़ो, IAS बनो, IPS बनो, बिजनेस बनो, मैनेजमेंट में जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, राजनेता बनो, उद्योगपति बनो, पैसा कमाओ। पैसा कमाना सिखाया तो पैसा कमाता है वो, ये तो सिखाया नहीं कि किसके किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये तो सिखाया नहीं कि माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, ये तो सिखाया नहीं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सिखाने का अवसर भी है, इसको आपने महत्वपूर्ण समझा ही नहीं, समझा पैसा कमाने को, तो पैसा कमाता है। और पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए पिता की हत्या कर सकता है, माँ की हत्या कर सकता है, भाई की हत्या कर सकता है, पत्नी की हत्या कर सकता है, होता है ये सब, क्यों होता है, यही तो सिखाया। पैसा सर्वोपरि है, धन सर्वोपरि है, धन सर्वोपरि है तो सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। ये काम ऐसा है, काम की चंचलता व्याकुलता ऐसी है जो पत्नी से पति की हत्या करवा देती है, किसी दूसरे के साथ चली जाती है, और पति के द्वारा पत्नी की हत्या करवा देता है, ये काम की चंचलता। भाई बहनों के संबंध खराब कर देती है, गुरु शिष्य पिता पुत्री के संबंध खराब कर देती है, क्यों, और ये काम की चंचलता छोटे बच्चों के साथ दुराचार करवाती है, हत्याएं करवा देती है, ये चंचलता। मनु भगवान ने लिखा है कि एकाकी सोना चाहिए, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए उनको भी पास में नहीं सोलाना चाहिए। हम याद है जब हम छोटे थे तो बच्चों के लिए छोटी छोटी खाट हुआ करती, उसको यूपी में खटोला बोलते, छोटा सा, उसमें बच्चों को सोलाते थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे एक खाट पर डाल दें, वो परंपरा समाप्त हुई। एक बेड पर चार पांच बच्चे बच्चियां सब सोएंगे, क्या होगा, वो बिगड़ेंगे आगे चल, संस्कार ही ऐसे दिए। तो सारा माहौल खराब किया परिवार वालों ने, माता पिता ने। मैं तो सभी युवा गृहस्थों से जो मेरे मुझे सुनते हैं, मुझ पर श्रद्धा करते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने डबल बेड कटवा दें, मिस्त्री लाकर दो बना दें, कोई नियम बनाए। और जो ब्रह्मचारी हैं उनको तो बहुत ही ध्यान रखना, परिवारों में जाना जाना पड़ता है, हमें भी जाना पड़ता है। महिलाओं से बालिकाओं से बात करते समय आंखों से आंखें नहीं मिलनी चाहिए, देखना ध्यान से नहीं देखना चाहिए,
मैं सर्विस में रहता था, कोई मेरे पीछे भी उस गांव में जाके पड़ताल कर सकता है कि मेरे कमरे में किसी महिला का प्रवेश वर्जित था। छोटी छोटी बच्चियां जरूर आ जाती थी पड़ोसी की, जैसे मकान मालिक के तो कोई नहीं थे, लेकिन पड़ोस में एक बार उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो। मैंने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बच्चियों को नहीं पढ़ाऊंगा, किंतु तो वैसे आ जाती है तीसरी चौथी क्लास के, नहीं नियमित आना मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अब बहुत प्रेमी थे वो, और बच्चे ऐसे थे कि जब बस स्टैंड से उतरता तो वहाँ मिल गए तो कोई एक एक दूसरा एक हाथ पकड़ेगा, कोई बैग पकड़ेगा, लेकिन नियमित बच्चे का चाहे वो दूसरे में क्यों नहीं पढ़ते हो, नियमित में कभी नहीं पढ़ा, स्वीकार नहीं था। और कोई पुरुष के साथ कोई महिला दवाई लेने आती भी, अगर वो दोबारा कभी आवे तो मैं पहचानता नहीं था कौन है। देखो मत ध्यान से, महात्मा लक्ष्मण जी को देखो, जिन्होंने सीता जी के कुंडलों को पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, बाजूबंदों को भी नहीं जानता, बिच्छुओं को जानता, क्योंकि मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा नहीं है। चेहरे नहीं ध्यान से देखा तो कुंडल कैसे ध्यान से दिख जाए, ये आदर्श था। लेकिन आज क्या है, सह शिक्षा, ये सह शिक्षा बहुत घातक है। बच्चों को इसकी शिक्षा माता पिता को ही देनी चाहिए। आहार निद्रा भाई मैथुन, ये चार चीजें पशु और मनुष्यों में समान कही है आचार्य चाणक्य ने और राजा भरतरी ने, लेकिन इन चारों में से कोई भी समान नहीं रही। समान हो जाए तभी हम पशु तो बन जाए। जैसे पशु भूख लगने पर ही खाता है, जीव के लिए नहीं खाता, रसना के लिए नहीं खाता, भूख लगती है तो खाता है, भूख नहीं है तो कुछ भी लाके रख दो मुंह देखेगा ही नहीं। उधर शेर का पेट भरा है तो शिकार नहीं करेगा, लेकिन अपन देखें तो भूख नहीं लगी है, फिर ये हनुमान जी का प्रसाद है, ये गुलाब जामुन है, पार्टी में गए तो वहाँ भी खाया, इधर भी खाया, इधर भी खाया, सारे दिन बकरी की तरह चलते रहेंगे, कोई नियम नहीं। कभी रेलगाड़ी में देखिए, जब भी किसी भी स्टेशन पर रेल रुकेगी तो कुछ न कुछ तो खरीदें, चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे, उनसे पूछो क्या भूख लगी थी। तो पशुओं से हम गए और इनके आगे और चले तो गाय को शराब पिलाना चाहो तो नहीं पिए, कभी नहीं पिए, बंदर नहीं पिए, लेकिन मनुष्य वह खा लिया जो उसका भोजन ही नहीं है। मांस आदि तो और अलग है, मांस आदि के विषय में मैत्रीचरण गुप्त ने कहा है, विहंगमों में पतंग और जलचरों में नाव ही, भोजनास चतुष्पदों में चार पाई बच रही। उड़ने वालों में पतंग नहीं खाई, जल में रहने वालों में नाव नहीं खाई, और चौपाए में खाट को नहीं खाया, बाकी सब खा गए। मतलब हम आहार में पशु से नीचे गिर गए। अब नींद लेने में सारे पक्षी अपने समय पर सो जाते हैं और अपने समय पर उठ जाते हैं, कोई नहीं उठाता उन्हें, कैसा ही मौसम हो। लेकिन महानगरों में देखिए, एक एक दो दो बजे तक तो सोते हैं और सुबह 7-8 बजे तक सोते हैं, कोई नियम नहीं है। और पशु कमजोर को डराते, बलवान से डरते हैं, और आदमी ऐसा कमजोर से भी डर जाता है, भूतों से डर जाएगा, जो है ही नहीं उससे भी डर जाता है। आर्मी में अब महिलाओं की भी भर्ती होगी, उनकी बटालियन अलग हो तो ठीक है, पुरुषों से संबंध नहीं रहता, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा क्या, कहाँ से सीखे। कल मैं बात कर रहा था, कल या परसों, जो नकल करके जिएंगे उनका क्या स्वाभिमान रहेगा। हमने देखा यूरोप में ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा करें, अमेरिका में ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा करें, अर्थात
हमारे देश के लोगों में, विशेषकर पढ़े लिखे लोगों में, कूट कूट के भर दिया गया है कि हम मूर्खों जंगलियों की संतान है, जो भी सिखाए गोरों ने सिखाया। बहुत खुश होते हैं। हमारे यहां भी वीरांगना थी, रानी की झांसी की रानी थी, रानी दुर्गावती थी, महारानी कैकेयी थी, योद्धा थी, लेकिन क्या ऐसे थी? उनका मान चरित्र था। मैं नहीं कहता ये चरित्र हीन है, मैं नहीं कहता, लेकिन पुरुषों के साथ रखना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। किसी शत्रु के हाथ लग जाए तो कोई रानी पद्मिनी थोड़ी है कि रानी कर्मावती थोड़ी है जौहर करें, वो क्या हाल करेंगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता। उनको युद्ध कला आनी चाहिए, उनकी बटालियन होनी चाहिए, कई महिलाओं में जाना पड़े, लेकिन अलग अलग होना चाहिए व्यवस्था। हम सब ऐसे युग में जा रहे हैं जहां अपना कुछ नहीं है, धर्म नहीं है, जहां भारतीयता नहीं है, जहां सात्विकता नहीं है, जहां जितेंद्रियता नहीं है, लंपटता है। स्कूलों में देखें, किसी भी स्कूल में जाएं तो क्या स्थिति है देखा नहीं जाता। ये कभी मन होता था कि यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, लेक्चर देंगे, आईआईटी में जाएंगे, रिसर्च सेंटर में, लेकिन वहाँ जाने लगे मुझे तो नहीं लगता, आबू जाके हम पछताए, किसको देखें। तो ब्रह्मचारी को खान पान का पहले बताया, सात्विक भोजन, मिर्च तो सात्विक में नहीं है, खटाई में आंवला को छोड़ के। नींबू के विषय में एक आयुर्वेद के प्रोफेसर ने कहा था नींबू ब्रह्मचारी के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि नींबू जाके क्षार में बदलता है। प्रोफेसर हरिओम स्वामी अजमेर। तो जिस विषय को मैं नहीं जानता, मुझे कोई उसका विशेषज्ञ बताता, उसे ही मानना पड़ता है। और नमक, स्वामी ओमानंद जी झज्जर वाले थे, उन्होंने नमक का भी निषेध किया है। मैंने करीब 15-20 वर्ष बिल्कुल नमक नहीं खाया था, और मेरा उसका परिणाम बहुत सुखद रहा। मैंने शायद बताया था पहले खाने पीने में वो वैसे अच्छा नहीं था, सब स्वादिष्ट चाहिए था, तब बीमार भी बहुत रहता था, लेकिन जब से ये ब्रह्मचर्य के अनुकूल खाना पीना सीखा, तब से 3 वर्ष में इस सांचौर तहसील की सरनोगा में बहुत निरोग रहा। 3 वर्ष दमा आदि भी गायब हो गए, व्यायाम बहुत करता था, मैंने स्वयं देखा परिणाम, इसलिए मैं कह रहा हूँ नमक खाए तो सेंधा नमक का उन्होंने कहा, सेंधा नमक ले सकते। मुझे तो वैद्य ने खिलाया कि नहीं पेट के लिए ठीक है, लीजिए आपका पेट खराब रहता। स्वाद तो जैसा हम चाहेंगे वैसे उसमें स्वाद आना चाहिए, प्राकृतिक स्वाद तो वास्तव में उसमें है जिसमें कुछ चीज मिलाई नहीं गई। अगर हम प्राकृतिक सब्जी का स्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ न मिला, वो नेचुरल है। बहुत सारी चीजें मिलाना, होटलों में देखेंगे तो सब्जी होगी कम, मसाले होंगे ज्यादा, और मालूम नहीं पड़ता क्या क्या डाला। तो जो भी हो रहा है ब्रह्मचर्य के नितांत प्रतिकूल हो रहा है, सब काम को भड़काने वाला हो रहा है। काम के भड़काने वाले दृश्य, काम के भड़काने वाले श्रव्य गाने, काम को भड़काने वाला भोजन, काम को भड़काने वाले सारे संस्कार, इसलिए काम की तरंगों से सारा ब्रह्मांड प्रभावित हो रहा है। इसको नियंत्रित करना वर्तमान समय में बहुत कठिन है, इसलिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है। याद रहे कि मान लीजिए किसी ने प्रतिज्ञा कर ली, मैंने भी की थी, मैं भी हूं, अगर मन में ऐसा कुछ भाव आए उस भाव को वहीं रोकने का प्रयास कर। मुझे विष दिया गया था, वो अत्यंत कामोत्तेजक था, मुझे पता है कि मैंने अपने को कैसे नियंत्रित रखा। मन भले ही परेशान हो लेकिन शरीर पर प्रभाव नहीं होने दी, या कभी विषयों में भटका नहीं,
इसके लिए भजन लिखा था, भजन बाद में लिखा, लेकिन उसमें वो भी लिखा, विषयों से बचता रहा चाहे मन मेरा जलता रहा, आई याद प्रभु तेरी रक्षा मम होती रही। ईश्वर को याद, ईश्वर की उपासना सबका सबसे बड़ा हथियार हर चीज के लिए। इसलिए जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं या गृहस्थ भी, जो संयमी रहना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उस उनको उपासना अवश्य करनी चाहिए। उपासना से अच्छा दूसरा कोई मार्ग नहीं। सात्विक भोजन कर ले तो भी गुस्सा आ ही जाता है, सात्विक भोजन कर ले तो भी विचार खराब आ ही सकते हैं, क्योंकि आत्मा का भोजन ईश्वर उपासना ही है। आत्मा और कुछ, आत्मा का भोजन दूसरा कुछ है ही नहीं, ईश्वर की उपासना ही आत्मा का भोजन। और आत्मा का भोजन कोई नहीं दे रहा, विरले होंगे जो देते हैं। कुछ उपासना का ढोंग करते हैं वो इसलिए कि उनके शिष्य लोग उनसे प्रभावित हों, उनके भक्त लोग उनसे प्रभावित हों, और विशेषकर ये साधनाएं शिविरों में बहुत दिखाने की होती है। एक की मैं बात करूं, एक हमारे ट्रस्टी हैं धीरा राम जी, है ना, धीरा राम चौधरी, उनको कहीं योग शिविर में भेजा। आए तो उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका नाम लेकर आया, गुरु जी वो तो बड़े योगी हैं। मैंने कहा कैसे मालूम पड़ा? कि एक बार रात को लक्षंका के लिए उठा तो चद्दर ओढ़ के ध्यान कर रहे थे, समाधि में थे, और दूसरे दिन उठा तब भी ऐसा ही देखा। मैंने कहा शिविर में ऐसा ही नाटक होता है, क्योंकि शिविर में बहुत सारे भक्त होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि किसी न किसी की दृष्टि तो पड़ेगी, वो सबसे चर्चा करेगा, गुरु जी बहुत, आचार्य जी बहुत योगी हैं, स्वामी जी बहुत योगी हैं, तो दान दक्षिणा अच्छा आएगा, और दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगे, उनसे जाके योग सीखो। अब वो योगी हमारे साथ भी एक हमारे साथ पल्ले पड़ गए, हम और वो साथ साथ यात्रा में, अब वो भी नहीं बताएंगे कहाँ यात्रा की, वो ठीक नहीं लगता। तो रेलगाड़ी जनरल साधारण रेलगाड़ी थी, साधारण ही डिब्बा था, और भीड़ खचाखच। तो हम तो क्या करते हैं, रेल में थोड़ी समान ध्यान लगता है, एक स्टेशन से गाड़ी चलना शुरू होगी, दूसरा आएगा उससे पहले अपना मंत्र पाठ कर लेंगे, कोई थैला उठा के, हम तो आंख बंद करके बैठे रहे, थैला उठा ले जाए कोई। लेकिन उन योगी जी ने क्या किया, वो कहाँ बैठे थे, चार व्यक्तियों की सीट के किनारे पर, जो रास्ता होता है ना धक्का मुक्की में, थैला पकड़ के और घंटे भर बैठे, मुस्करा रहे, कभी कुछ कर रहे, ताकि सब लोग देखें। अब हम एक ही कमरे में रुके, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनका ठीक था। अब वहाँ मेरा नियम था 4:15 बजे उठना, मैं रोज उनको जगाता, उठिए समय हो गया है। फिर मैंने उनको कहा कि आप शिविर में तो 1:30 बजे भी समाधि में रहते हो, 2:30 बजे भी रहते हो, यहाँ आपको रोज मैं उठाता हूँ, क्यों नाटक कर। रेलगाड़ी में बैठे थे, ध्यान लग रहा था, मुस्करा रहे थे, ध्यान लग रहा था, लोग तो टक्कर मार रहे थे आपसे, क्यों नाटक करते। ऐसे नाटक करने वाले आज बहुत हैं। और वे योगी जी, एक माता जी हैं, उनको घुमा रहे, कहीं जा रहे हैं, कहीं स्टेशन पर छोड़ने जा रहे हैं, कम बंद कमरे में 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, ऐसे योगी जी, ब्रह्मचारी जी। मैं कभी किसी एकांत में बात नहीं करता, मैं कभी गांव में जाता हूँ, एक पड़ोस की एक हैं, कन्या गुरुकुल सासनी में है, आचार्य पवित्रा जी, मेरे से बहुत छोटी भैया कहते। जब मैं कभी आर्य समाज के कार्यक्रम में जाता हूँ, मिलने आती बात करने की कि मैं शंका समाधान करेंगे, तो मैं कभी एकांत में उनसे बात नहीं करता जो मुझे भैया कहते गाँव की। मैं पड़ोसी के चबूतरे पर जहाँ गली निकलती है वहाँ 2 खाट डाल करके बैठता और उनके बच्चों को बुला लेता, वो खेलते रहते, हम बात करते रहते शंका समाधान, या फिर घर जाता जहाँ हमारी माताएं हों, माता माँ हों, वहाँ बैठ के बात करते, मुझे स्वीकार नहीं। लेकिन बड़े बड़े योगी शिष्याओं को बहुत बनाते हैं, दक्षिणा भी खूब देते हैं। ब्रह्मचर्य के प्रतिकूल
सर्वत्र हो रहा है। ऋषि दयानंद की मानी नहीं तो पतन हो गया, और हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, हमें मर्यादाओं का पालन तो करना ही होगा। कोई शंका समाधान के लिए आता है, यहां भी कई बार संदेश आता है कि शंका समाधान करना चाहते कोई छात्र है तो हम कहें या तो पति को लाओ, विवाहित हो तो नहीं, पिता को लाओ ना भाई को लाओ, थोड़ी देर बात कर लेंगे। इनका पालन बहुत आवश्यक है। कोई समाचार देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, कोई गलत दृश्य आ गया जो हमें नहीं देखना चाहिए, और वो धारावाहिक देखना हम भी देख रहे हैं, चंद्रगुप्त देख रहे हैं, पर धनानंद आदि का जब दृश्य आता है तो हमें उसको हम आगे बढ़ा देते हैं, उसको कभी थोड़ी देर करा दो, नज़र इधर उधर कर लो, मत देखो, संस्कार बन जाते हैं। हम नहीं चाहते बने, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। कुछ संस्कार ऐसे बनते हैं पता ही नहीं लगता। भगवान मनु आदि ऋषि थे, आदि पीढ़ी में थे, लगभग ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब उन्होंने कहा है कि अगर गुरु की पत्नी युवा हो तो, युवती हो तो उनके भी चरण स्पर्श न करें। आज तो साधु योगी महिलाओं से पैर दबवाते, कन्या को पढ़ाएंगे, नेक्स्ट ब्रह्मचारी गुरुकुल खोला, किसका खोला, कन्या गुरुकुल, बहुत बढ़िया। ये किस शास्त्र में लिखा है? तुम कॉलेज के छात्र छात्राओं की क्यों बात करें, अपने को देखें ना, जो विद्वान है वे कितना पालन कर रहे हैं। क्या वे ये सोचते हैं कि वो महर्षि मनु से बड़े योगी हैं, ऋषि दयानंद से बड़े योगी हैं? जब ऋषि दयानंद माताएं आती तो कहते नहीं, अब पतियों को भेज दो, हम उनको उपदेश कर देंगे, वे तुम्हें सुना देंगे। और हमें क्या, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए? तो ब्रह्मचारी को नारियों से बचना चाहिए, मातृवत परदारेशु और परद्रव्येषु लोष्ठवत, ये ब्रह्मचारी के सब के लिए। और मैं जो कह रहा हूं ब्रह्म, ये धर्म की परिभाषा गृहस्थों के लिए है, ये ध्यान रखें। अगर वो भगवान शिव केवल ब्रह्मचारियों के लिए लिखते तो वो कुछ और भी कड़ा होता।